चलिए, हेलो स्टूडेंट, अब इस वीडियो में आपको हम कुछ सरप्राइज क्वेश्चन दिखाते हुए चलेंगे, ठीक है। मतलब जहां तहां से लिंक करता हूं, अपना तो लिमिट खत्म हो गया है, लिमिट में अब कुछ ऐसा नहीं बचा हुआ जो आपको सीखना बाकी है, लेकिन कुछ सरप्राइज क्वेश्चन इधर उधर करते हुए। जैसे एक बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिया है, जबरदस्ती का क्वेश्चन कर सकते हो, दम ने मेरा पूरा बोर्ड भर गया लेकिन दम नहीं है। क्या क्वेश्चन कहा कि एक स्क्वायर शेप का मैट्रिक्स है, एन इंटू एन ऑर्डर का, एन रो एन कॉलम्स, एन रो एन कॉलम्स, कुछ इस तरह का। अरे बस, जिसका हॉरिजेंटल रो जो एलिमेंट्स है वो कैसा है एपी में, मतलब ये ए वन ए टू ए थ्री ये सब एपी में, और इधर जीपी में, सब जीपी का कॉमन रेशियो सेम, सभी जीपी का कॉमन रेशियो सेम, ठीक है। साथ में कुछ एलिमेंट दे दिया है, ए टू फोर इज वन, देखो ए टू फोर मतलब ये वैल्यू कितना है वन, अटिक बस वन, ए फोर टू, ए फोर टू कहां पर है ये वाला, ये कितना है वन बाय एट, वन बाय एट, ये कितना है थ्री बाय सिक्सटीन, थ्री बाय सिक्सटीन, देखो ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक बस। तो आप अंदाज लगाने की कोशिश करो, तो पूरा बाकी कुछ डाटा आपसे मांग रहा है, लीजिए ध्यान देखना इसका काम कदम, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको इंटरेस्ट लोगे तो अरे मेरा आराम से मिलेगा, अरे चलो नहीं कुछ जानते, कम से कम ये एलिमेंट बता सकते हैं ना, ये जीपी में है, ये वन बाय एट को टू पर गुणा करते टू बाय सिक्सटीन जल्दी जल्दी हो जाएगा, ये टू बाय सिक्सटीन, थ्री बाय सिक्सटीन मतलब एक बाय सिक्सटीन जुट रहा है, ये क्या हो जाएगा फोर बाय सिक्सटीन, इधर क्या हो जाएगा तो वन बाय सिक्सटीन, एक अंदाजा है, भरने में खेलने खेला है बस ही। अब जीपी है, जीपी ये जीपी है, अरे बस ये जीपी है, तो सोचो क्या हो सकता है, क्या गुना करें, तो ये फोर है, ये काटेंगे तो एक बटे चार, मतलब ए आर स्क्वायर बराबर फोर बाय सिक्सटीन यानी कि वन बाय फोर, ए का मान वन, तो क्या आर का मान निकाल सकते हैं, तो आर का मान वन बाय टू आता है, वन बाय टू आ रहा है, ये फोर बाय सिक्सटीन है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज एट बाई सिक्सटीन, ये ले जाएंगे तो फोर बाई सिक्सटीन, आप देख रहे हो क्या क्या बन रहा है, सिक्सटीन अड़ेगा वन बाय टू, टू से गुना कर रहे हैं केवल, ये आपका एट बाई सिक्सटीन बाई सिक्सटीन, सॉरी ये आपका सिक्सटीन बाई सिक्सटीन, और ये आप कह सकते हैं थर्टी टू बाई सिक्सटीन, देखिए ऐसा ही कुछ कॉलम बन रहा है, ऐसा ही कुछ कॉलम बन रहा है, एट बाय सिक्सटीन, और इधर आपका वन बाय सिक्सटीन, वन बाय सिक्सटीन जुड़ा, देखो ये कॉमन रेशियो कितना का, इधर ऊपर जाएंगे तो टू, ऊपर नीचे जाएंगे तो वन बाई टू, ये टू पर ले जाएंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा थ्री बाय एट, ठीक है थ्री बाय एट, ये ले जाएंगे तो थ्री बाय फोर, ये ले जाएंगे तो थ्री बाय टू, कुछ इस तरह का रेशियो मिल रहा है, कुछ इस तरह का मिल रहा है, ठीक है। यही बात इधर भी, इसको अगर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा टू बाय एट, इसको ले जाते हैं तो ये टू बाय फोर, और ये ले जाते हैं तो टू बाय टू, इसको अगर ले जाओ वन बाय सिक्सटीन है, ठीक है वन बाय एट, वन बाय फोर, मतलब थोड़ा मजा लीजिएगा तो आएगा वन बाय टू, क्या याद बढ़ गया, कुछ इस तरह का बना, चलो जितना संभव है भर दिया और मन करते रहना। अब बताओ एस एन क्या है, एस एन फोर आई जे, फोर जे, फोर जे मतलब जे का वैल्यू वन, तो फोर वन फोर टू, तुम खुद एक्सपेंड करके, तुम्हारा एक्सपेंड करके तो क्या आ जाएगा, ये हो गया आपका ए फोर वन, ए फोर टू, फोर थ्री, अब हमको बताने का जरूरत नहीं है, ऐसे फोर वन फोर थ्री नहीं बना सकता, फोर वन कौन है, फोर वन मतलब वन बाय सिक्सटीन, टू बाय सिक्सटीन, थ्री बाय सिक्सटीन, फोर बाय सिक्सटीन, एरर आ गया पूरा, फोर वन फोर वन, तो अब इसका वैल्यू कितना है, क्या हो जाएगा, दिस इज वन बाय सिक्सटीन, वन बाय सिक्सटीन, टू बाय सिक्सटीन, थ्री बाय सिक्सटीन, ठीक है ऐसा ऐसा करके एन टर्म्स तक, एन टर्म तक वन बाय सिक्सटीन, अगर कॉमन ले लो तो ऊपर वन प्लस टू प्लस थ्री यानी एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, और ये निकल गया वैसे बाय वैसे निकाल, तो लिमिट का एक मामले से क्वेश्चन हो जाएगा, दिक्कत, ठीक है। अब सेकंड जो क्वेश्चन था वो देखो, अड़ेगा ये क्वेश्चन, कॉमन डिफरेंस ऑफ द आईथ रो, ठीक है आई का वैल्यू वन लिए तो पहला रो का कॉमन डिफरेंस, पहला रो का ध्यान से देखो वन बाय टू, टू बाय टू, थ्री बाय टू, यानी पहला रो का कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, इसी का मान लिखा है, इसका मान समेशन का वैल्यू सम बराबर, पहला का कॉमन डिफरेंस कितना है तो वन बाय टू, वन बाय टू है, दूसरे का वन बाय फोर, टू बाय फोर यानी वन बाय फोर है, तीसरे का वन बाय एट, टू बाय एट, थ्री बाय एट यानी कि वन बाय एट है, वन बाय सिक्सटीन है, क्या और कुछ बताने की जरूरत है, सम का वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हैं, अड़ेगा सम का वैल्यू तो आप एक जीपी आ गया, जीपी जिसका फर्स्ट टर्म वन बाय टू, कॉमन डिफरेंस वन बाय टू, और आराम से आप निकाल सकते हैं। मैंने तुमको ये दिखाया कि देखो ये सब क्वेश्चन देखने में बड़ा है, एग्जामिनेशन में समय कम रहता है, जल्दी में अगर
ध्यान नहीं दियोगे तो हाथ से छोड़ छूट जाता है आदमी का। इसलिए कोई भी क्वेश्चन लिमिट का रहा अब आपके हाथ से नहीं छूटना चाहिए। लिमिट का हर वैरायटी हर रूल आपको हम दिखा दिए, ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चंस इस तरह का भी आता है, जैसे ये वाला देख लो एक सवाल, जैसे इनवर्स का इन्वॉल्वमेंट, इनवर्स का इन्वॉल्वमेंट, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स प्लस फाइव, ठीक है, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स अब प्लस फाइव और टेन इनवर्स एक्स प्लस फाइव। वास्तव देखो ये सवाल जब हम बनाने शुरू कर दिया तो नहीं है बना, बहुत कोशिश किए सवाल को कैसे बनाए, नहीं ऑपरेट किए, कोई तरह का आइडिया नहीं मिला, पुट उठ तक भी कर लिए लेकिन आइडिया नहीं मिला। जानते क्या सवाल है, ये एक सवाल इस पर दृष्टि, एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए बराबर क्या होता है पाई बाई टू। सो आप टेन इनवर्स ए को लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स ए, ठीक है बस। और ये इसका बहुत ही काम का है, ठीक है बस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब इसको देखो ऐसा और भी लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस टेन कॉट को इनवर्स कैसे लिख सकते हैं टेन इनवर्स वन बाई ए। देखो इसी पर ये वास्तव में इसी पर बेस्ट है। सो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू इनफिनिटी एक्स माइनस एक्स प्लस फाइव रहने दिए इनटू इनटू ये वाला आपका पाई बाय टू माइनस टेन इनवर्स वन बाय एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस फाइव, और यही फायदा आप इसमें भी ले सकते हैं। अड़ेगा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन पाई बाय टू माइनस टेन इनवर्स वन बाय एक्स प्लस वन, ब्रैकेट तोड़ के पाई बाय टू कलेक्ट कर लो। अड़ेगा ब्रैकेट तोड़ो पाई बाय टू कलेक्ट करो, क्या हो जाएगा पाई बाय टू कॉमन लीजिएगा तो एक्स प्लस फाइव और वहां पर एक्स माइनस वन। ऐसे अब आपको बताने का जरूरत तो नहीं लग रहा है, इसको अंदर ले गए दस टेन ये आपका, ठीक है, वन टेन इनवर्स वन बाय एक्स प्लस वन है, सॉरी सो टेन इनवर्स वन बाय एक्स प्लस फाइव है और ये वाला अंदर लेके पलट दिए वन बाय एक्स प्लस फाइव, ठीक है। और ये वाला तुम देख लो, सो ये वाला क्या हो गया टेन इनवर्स वन बाय एक्स प्लस वन और डिवाइड बाय वन प्लस एक्स प्लस वन, इसका मान वन, इसका भी मान वन, एक्स और एक्स कैंसिल। सो आराम से आप आंसर देख सकते हैं कि फोर गुना पाई बाय टू और जब तक कट गया सो वैल्यू इज दिस वन। तो क्वेश्चन एकदम इस तरह का चीज है, सेट किया हुआ रहता है, ठीक है बस। इसको भी देख लो, बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है बस। लिमिट टी टेंस टू जीरो, लिमिट टी टेंस टू जीरो वन माइनस वन प्लस टी का पावर टी, ठीक है, लॉग वन प्लस टी माइनस वन, वन प्लस टी माइनस वन, ठीक है। तो चेक करो जीरो बाय जीरो फॉर्म है लेकिन डिफरेंशिएशन भी उतना ही टफ है। तो इस तरह का फायदा लिया जा सकता है वन, ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं जैसे लॉग वन प्लस टी का पावर टी और ये हो जाएगा दिस इज लॉग वन प्लस टी माइनस वन। देखिए ऐसा कुछ, ठीक है ना, इसको टी को पहले ले आओ ऐसा, अभी ई का पावर एफ एक्स वाला फॉर्मूला तोड़ दो, एक्सपेंशन वाला, अटेगा एक्सपेंशन यूज कर दो ऊपर नीचे दोनों में, तो क्या हो जाएगा वन, पहचानो वन प्लस टी लॉग वन प्लस टी बाय फैक्टोरियल वन और टी लॉग वन प्लस टी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू एंड सो ऑन। और यही बात नीचे भी आ जाएगा, लॉग वन प्लस टी माइनस वन था तो एक्सपेंशन यूज कर लेते हैं टी, ठीक है, लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू और प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री एंड सो ऑन माइनस वन, याद हुआ, ठीक है, लॉग वन प्लस टी माइनस टी है, सॉरी यहाँ पे टी है, सो ये टी 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 कैंसिल, ठीक है, वन वन कैंसिल। अब ध्यान से देखो तो नीचे से टी स्क्वायर बाय टू कॉमन आता है या टी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो या टी टेंस टू जीरो, टी टेंस टू जीरो और ऊपर में देखो तो ये वाला पूरा फैक्टर कॉमन, ये वाला फैक्टर कॉमन, सर क्या बचा टी लॉग वन प्लस टी, नी अंदर में बचा वन प्लस टी लॉग वन प्लस टी और बाय फैक्टोरियल टू एंड सो ऑन और बटा में ये आ गया आपका माइनस टी स्क्वायर कॉमन, सो दिस इज वन बाय टू माइनस टी बाय थ्री एंड सो ऑन, माइनस माइनस कैंसिल, टी से टी कैंसिल, इसको पहचानो लॉग वन प्लस टी बाय टी इज इक्वल टू वन, बाकी में लिमिट बढ़ा देना एक ही लाइन में आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन आप बना सकते हैं,
इजली आपका क्वेश्चन बन सकेगा। ठीक बस। अच्छा ये बताओ, ये आप इसको जानते हैं, जैसे कि अगर मान लो कोई डिटरमिनेंट है, अटेगा डिटरमिनेंट दिया हुआ, दिस इज एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, ठीक है, यहां पर आपका फाई एक्स अल्फा एक्स, मतलब कोई सिंबल है एक्स का, ठीक है, साई एक्स ऐसा कुछ, और ये मान लो कोई कॉन्स्टेंट, ऐसे तीनों रह सकता है, वैसे मेरे पास सिंबल है ऐसे लिख दिया। अगर कभी इसका जरूरत पड़े डिफरेंशिएशन का तो आप डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा, कभी हम नहीं पढ़ाया लेकिन इसको जानो। अगर तुम्हारे पास डिफरेंशिएशन है तो कैसे बनता है, इसमें क्या है, एक का डिफरेंशिएशन देखो ऐसा, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स, दिस इज फाइव एक्स अल्फा एक्स और साई एक्स, दिस इज ए बी सी, ये एक बार में एक प्लस एक रो में, एक बार में एक ही रो का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक रो या एक कॉलम हो सकता है। उसके बाद आप पहला वाला जस्ट ऐसा, जैसे एफ एक्स दिस इज जी एक्स दिस इज एच एक्स, अटेगा अब ये वाला आपका डिफरेंशिएशन फाई डैश एक्स अल्फा डैश एक्स साई डैश एक्स, अटेगा दस दस ए बी सी। इसके बाद तीसरा वाला डिफरेंशिएशन, मतलब एक बार में एक रो या एक कॉलम का डिफरेंशिएट करते हुए सवाल बनाया जा सकता है। ठीक है बस, तो ऐसा सवाल है, मिसलेनियस सवाल है, बनाना, जो दिक्कत होगा फिर देख लेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे, ऐसे उम्मीद है कि आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाल इतना सियोर है कि देखो किसी एक ब्रांच से तुमको पहले ही चैप्टर से अंदाज मिल जाओगा कि कंप्यूटर का मतलब हर चीज पर कमांड, अटेगा हर ब्रांच पर कमांड होगा और तभी बनाया सकता है, वैरायटी नहीं होता, बस मिक्सअप ऐसा होता है। कि जब पहला बार हम एग्जाम दे रहे थे दिए थे तो पता नहीं चल सका कि अलजेब्रा का है कि ट्रिग्नोमेट्री का, उसी में हम भटकते रहे कि अलजेब्रा का बनाए कि ट्रिग्नोमेट्री बनाए, समझ में नहीं आया। ठीक है, यही बात आपको करें, आप जब आप तैयारी करके जाएंगे तो हम लोग मेंटली तैयार रहेंगे, जो होगा देखा जाएगा। देखो ये क्वेश्चन, इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन का मतलब दिया सकता है, वन बाय रूट एक्स बराबर वाई मान लो, अब आप इसको y का पावर ऊपर ले जाए, y का पावर माइनस टू, ध्यान देना हम दिखेंगे नहीं, y का पावर माइनस टू पहले, सो लिमिट y टेंस टू जीरो क्या आ गया, माइनस टू बाई वाई स्क्वायर और log ऑफ y, log ऑफ y, और ये वाला तुम्हारे पास क्या आ गया, दिस इज टू बाई वाई स्क्वायर और log ऑफ साइन y। अगर हम टू बाई वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, लिमिट y टेंस टू जीरो टू बाई वाई स्क्वायर कॉमन लेते हैं, सो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, दिस इज log ऑफ साइन y माइनस log y, बाई y कर दें एक ही बार में खत्म, साइन y y y, ठीक है। अब ये लो बेकू भी नहीं करना कि साइन थीटा बाई थीटा इज वन, साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू वन मत उड़ा देना, नहीं तो रहा सब मेहनत खत्म। यहां पर आप एक्सपेंशन यूज करो, एक्सपेंशन साइन y y y का एक्सपेंशन यूज करो, क्या जाएगा, लिमिट y टर्न्स टू जीरो टू बाई वाई स्क्वायर साइन वाई बाई वाई का मान क्या होगा, साइन वाई का एक्सपेंशन वाई माइनस वाई क्यू बाई थ्री, बोला एक्सपेंशन यूज करो जिसे वाई से डिवाइड करना, सो क्या आ जाएगा, वन माइनस वाई स्क्वायर बाई फैक्टोरियल थ्री, हायर टर्म इन नेगलेक्ट नेगलेक्ट। और अब आप इसको देख लो, अटेगा अब आप इसको देखो क्या आ जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर बाई सिक्स से डिवाइड और माइनस वाई स्क्वायर बाई सिक्स से मल्टीप्लाई, इसका मान वन, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर का आंसर टू बाई सिक्स है, सो रिजल्ट क्या आ गया, माइनस वन बाई थ्री। लीजिए अब ये सवाल आप इससे बना सकते, बस अभी बनाएंगे सब, हम बताएंगे तुम लोग का करेगा, ठीक है, इतना काफी है, बना लेना।